गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे ये जो चैप्टर है अल्कोहल फेनोर्स एंड इथर वाला, इस पे मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। वो हमारा बेसिक था, है ना, उसमें हमने बेसिक के बारे में बताया था, फिनॉल अपन कैसे पहचानेंगे, अल्कोहल कैसे पहचानेंगे अपन, इथर कैसे पहचानेंगे, तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ना। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस टॉपिक पे। इसमें हम ये बताएंगे अल्कोहल बनता कैसे। पहले वाला वीडियो में हमने ये बताया था अल्कोहल अपन पहचाने कैसे, फिनॉल कैसे पहचानेंगे, बट यहां अपन पढ़ेंगे अल्कोहल कैसे बनता है। वहां पहचानना सीखा था और यहां बनाना सीखेंगे कि बनेगा कैसे, बनेगा कैसे। तो ये बात हमें जानना है और ये बात हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो देखो क्या है, हम किससे बनाने जा रहे हैं अल्कोहल, पहले ये समझना। हम जो भी किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सबसे पहले अपने को ये देखना है तो हम जो अल्कोहल बनाने जा रहे हैं वो किसके हेल्प से बनाने जा रहे हैं। हम एल्केन के हेल्प से बनाने जा रहे हैं, अल्कीन से। अल्कीन का मतलब होता है क्या, दिखना चाहिए अपने को डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। तो अगर अल्कीन को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंट में, H प्लस का मतलब होता है एसिड। कैटरिस्ट अपना क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। और किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड के साथ अपन रिएक्शन करवाएंगे। अपन एसिड कैसे पहचानेंगे, जहां H प्लस लिखा है वो अपना क्या है, एसिड है। अगर ओ एच माइनस लिखा होता तो क्या होता, अपना बेस। तो यहां H प्लस लिखा है तो अपना क्या है, ये एसिड की तरह काम करेगा। ये जो कैटरिस्ट है ये क्या है, अपना एसिडिक है, एसिड है। और ए एच प्लस है, याद रखना कैटरिस्ट कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका काम है सिर्फ रिएक्शन करवाना और चले। जैसे दोस्त होते हैं उनका काम क्या होता है, दो के बीच में मार करवाना, वो मार करवाते हैं, पंगा करवाते हैं और साइड हो जाते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्शन ना हो, यही काम इस कैटरिस्ट भाई का। तो देखो क्या है, बनता कैसे है ये मैं आपको बता दूं, ये बताना जरूरी है। मान लो एक कार्बन, एक भाई यहां है और दूसरा भाई यहां है, और अल्कीन है तो डबल ही दिख रहा है, एक ही और एक ही, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन यहां चिपका है, अब क्या होगा, अब देखो क्या है, एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है, दो इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन क्या करेगा, इन दोनों को अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही और इनका भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, है ना। ये चलाक है, ये भी चलाक है, जो पहले छीनेगा वो पहला चलाक है। तो क्या करेगा, इनका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जैसे इनका इलेक्ट्रॉन लेगा, अब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है उस पे काय का साइन आने का, नेगेटिव का। और इसका इलेक्ट्रॉन ए ले लिया तो इसके ऊपर काय का साइन आने का, पॉजिटिव का। ए भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन वहां ए लेके भाग जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले ले तो इस पे काय का साइन आ जाएगा, नेगेटिव का। और इसके ऊपर काय का साइन आ जाएगा, पॉजिटिव का। क्योंकि दो ही कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पे भी आप नेगेटिव ले, किसी पे भी आप पॉजिटिव ले। अब देखो हम किसके साथ रिएक्शन करवाए हैं, H2O के साथ। और H2O को जब अपन ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस बनेगा।
और पॉजिटिव वाले किसके पास भाग के जाएगा? नेगेटिव वाले के पास। और यहाँ नेगेटिव कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है। और नेगेटिव वाले किसके पास जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास। ये किसके पास भाग के जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास। तो देखो इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, यहां मैं चिपका देता हूं, इसको आप चिपका लेना ऊपर वाला। मैं इसको अब यहां ड्रॉ करता हूं, देखना बात। अब देखोगे इनके साथ ए चिपका है H प्लस, तो यहां H प्लस चिपका, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन। और इस कार्बन के साथ क्या चिपका है? OH माइनस। ए पका दी, ए बन गया। देखो यही बनाया, ये जो यहाँ छोड़ा है ना, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ तो है ही। इसका मतलब है जो यहाँ गैप है ना, जहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा। पप्पू की तरह समझाएंगे ऑर्गेनिक, ए फिक्स है। तो आप ध्यान से वीडियो देखना, एक एक वर्ड चिपकाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे और आराम से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए। अल्कोहल कैसे बनाएंगे? अल्किन से बनाएंगे, डबल बॉन्ड से चिपकाएंगे, एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक जगह एच और एक जगह OH चिपका देंगे, तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ, क्या लिखा हूं ये देखो, याद रखना, एक काम आ जाता है। इंडस्ट्री में जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्री में जो अल्कोहल बनता है वो किसके कारण बनता है? जब उस अल्कोहल, जब अल्किन को आपन किससे पास कराते हैं? H2SO4 से। जब हम अल्किन को H2SO4 से पास कराते हैं, उस टाइम टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। तो एसिड इज डाइल्यूटेड एंड ट्रीटेड विथ, एसिड क्या होगा? वो डाइल्यूट होगा और किसके साथ ट्रीट करेगा? एस्टीम के साथ। और क्या रिलीज करेगा? अल्कोहल। क्या इंग्लिश में लिखा है? जो इंडस्ट्री के कारण अल्कोहल बनता है, कैसे बनता है? जब हम अल्किन को H2SO4 के साथ पास कराएंगे, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर भी हाई होना चाहिए, तब जो एसिड है वो एस्टेम के साथ क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा, मिल जाएगा और क्या रिलीज करेगा? अल्कोहल। तो आप इसको चिपका लें। अब इनका हम मैग्नीज़म बताते हैं कि इसका मैग्नीज़म क्या है, ये कैसे होता है। ये तो आपको हमने रिएक्शन करके बता दिया, इसका मैग्नीज क्या है, मैग्नीज़म क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो बता देता हूं। आप चिपका लो इसको ध्यान से।